हाँ भाई क्लियर है ये बात। करें आगे, अब निकालो नेक्स्ट कौन सा क्या था लास्ट। थर्टी 32 करना है शायद, नहीं 32 हो गया। हाँ 33 33 लिखा है। हाउ आर द फॉलोइंग डील विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। 2021 इज करंट ईयर, क्लियर। देन व्हाट हैज गिवन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है बाई पेमेंट फॉर द मेडिसिन, दैट इज अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। यह अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। अब अप्रैल 1, 2020 दैट इज ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। देन वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर एंड अनदर व्हाट वी हैव कंज्यूम्ड। सॉरी, वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव टू कैलकुलेट द कंज्यूम्ड मीन्स टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मैंने बताया कि जो रिसीव पेमेंट में दे रखा होता है वो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, वेदर इट हैज बीन पेड फॉर द कैश परचेज और पेड टू द क्रेडिटर्स। बात क्लियर है। पहले सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड ओपनिंग स्टॉक 50,000, 2,00,000 less 75,000, 1,25,000 एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 60,000, 1,85,000 लेस 40,000, 1,45,000 टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर। अब ये कह रहा है बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे। अब देखो यहां पर बैलेंस इन इनकम एक्सपेंडिचर कहां शो करना है, 1,45,000 एक्सपेंडिचर और इनकम। हाँ? अरे इनकम में शो करना है या एक्सपेंडिचर में, तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा टू मेडिसिन कंज्यूम 1,45,000। अब बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 1, 2020, बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 1, 2021। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक असेट्स होता है लाइबिलिटीज, तो यहां लिखेंगे असेट साइड में स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था 50,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा। अब क्रेडिटर फॉर मेडिसिन असेट्स और लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। अब देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना था 40,000, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में 60,000। समझ में आया ये?
भाई हो गया। करें आगे हाँ बोलो। कौन सा वाला? मैं ही कराऊंगा, मैंने कहा पहले ये समझ में आ जाएगा तब कराऊंगा, पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादा समझाना पड़ेगा उसमें, इसलिए मैंने पहले सारे एक जैसे क्वेश्चन है वो पहले कराए, वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं ही कराऊंगा वो। निकालो नेक्स्ट 34। अब देखो रिसीव पेमेंट में दे रखा है, पेमेंट साइड में क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मीन्स पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड कैश परचेज, क्या करेंगे इसमें से? दोनों शो करना है या एक शो करना है या दोनों ही शो नहीं करना है? इक्वेशन दोनों ही अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर मीन्स कैश परचेज एंड पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, दोनों का टोटल है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। दोनों का टोटल 61 और 10 71,000। ये क्लियर है क्या पहले बात 71,000 की? अब देखो क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग, ओपनिंग कौन सा है जो 31 मार्च 2020 है वो ओपनिंग, और 21 में जो दे रखा है वो क्लोजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000 91, क्लोजिंग 25, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस करना वो कितना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 15, लेस ओपनिंग 7,000, ये आ गया अपने पास 74,000। अब एडवांस तो है नहीं हमारे पास, तो लास्ट क्या दे रखा है उसमें, दे रखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू 20,000 फॉर 26,000, क्या करें इसमें से? कितना? 20,000 लास्ट में लिखा अपन ने सेल ऑफ मटेरियल, तो जो इसकी बुक वैल्यू है उसको लेस करते हैं, लेस 20,000 दिया आ जाएगा 54,000। दिस इज टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर, मेडिसिन और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 54,000। एक और दे रखा है मटेरियल सोल्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड 20,000 फॉर 26,000, 20,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000 में सेल किया, इनकम है क्या एक्सपेंडिचर है? सिक्स थाउजेंड का अपने को प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी इनकम साइड में, तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 6,000। अब जो ओपनिंग वाला स्टॉक है वो ओपनिंग में लिखना है, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिखना है, क्रेडिटर्स का भी सेम। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग 25, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 15,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 7,000। देखो एक बार क्लियर है क्या ये बात?
हाँ भाई हो गया। हो गया क्या सबका? हाँ हाँ आराम से, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई कितना बाकी रह गया? हो गया। अब निकालो क्वेश्चन नंबर 26, अब समझ में आ जाएगा। पढ़ो पहले। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, मींस वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच मेडिसिन वी हैव कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2021। लिखा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,75,750, दैट इज ओपनिंग क्लोजिंग 1,44,650 एंड क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 15,06,900, 18,20,700 ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700। अब ये नहीं दे रखा है कि दिस इज क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन, ये कह रहा टोटल मेडिसिन परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये बात समझ आई? पहले दो चीजें डिफरेंट है, इसमें कैश प्लस क्रेडिट दोनों। अगर सीधा क्रेडिट लिखा होता तो अपन क्या करते, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग लिखते, बाई परचेज लिखते और टू कैश निकाल लेते तो आ जाता अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लो पहले, ये क्रेडिटर बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी 15,06,900 दूसरा दे रखा अपने पास 18,20,780 और ये कह रहा है कि टोटल मेडिसिन परचेस्ड 60,80,700। अब देखो यहां पर साल के शुरू में मांगने वाले कितने थे, 15,06,900 रुपए के, अब कितने हो गए 18,20,700। इसका क्या मतलब है, अपन ने ओवर परचेज किया या पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को? परचेज, तो ये आ जाएगा बाई परचेज एंड इट इज क्रेडिट परचेज। निकालो 18,20,700 लेस 15,06,900 3,13,800 ये क्या आ गया क्रेडिट परचेज। ठीक, अब टोटल परचेज कितनी थी अपने पास, नीचे देखो
60,80,700 टोटल परचेज है, इसमें से क्रेडिट परचेज कितनी है, तो ये कर देंगे लेस क्रेडिट परचेज, तो क्या आ जाएगा अपने पास कैश परचेज यानी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 3,13,800,00,9,6,6,7,57,66,900 तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 57,66,900 ये बात समझ आई क्या, पहले देख लो हाँ बिल्कुल ठीक है, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट तो है नहीं ना, अगर यहाँ लिखा होता टू कैश तो वो लेके जाते, अगर क्रेडिटर डिक्रीज हो जाते तो अपन जरूर समझते कि अपना कितना क्रेडिटर को पे कर दिया, पर ये तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो सीधा क्या है अपने पास कैश परचेज, ये क्रेडिट परचेज है, ये बाकी कैश परचेज है, कैश परचेज मीन्स अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अब करो एड ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,75,750 लेस क्लोजिंग 1,44,650 0,00,089 57,98,000 एट क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने 18,20,700 लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग कितने 15,06,900 ये आएगा 0,08,11,800 61,11,800 ये दो चीजें तो है ही नहीं, यही आंसर आ गया 61,11,800 कंज्यूम्ड, कंज्यूम मीन्स टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो करना, ये आ गया 61,11,800 देखो एक बार क्लियर है क्या, पहले ये अकाउंट क्यों बनाया अपन ने, पहले ये सबसे पहला सवाल अपने मन में आना चाहिए, क्योंकि हमें कैश निकालना है, क्योंकि हमारे पास टोटल परचेज दे रखा है, टोटल परचेज में से अगर हम क्रेडिट परचेज निकाल देंगे तो कैश परचेज आ जाएगी, कई बार उल्टा भी हो सकता है, कैश परचेज दे रखी होगी तो अपन को क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी, या क्रेडिटर अकाउंट बना के कैश पेड टू क्रेडिटर निकालना पड़ेगा, ठीक है करो जल्दी से, जल्दी करो,
अभी हो गया। अब देखो यहां तक दो चीजें, दो इक्वेशन अपन ने पढ़ा है, पहला सब्सक्रिप्शन अकाउंट और दूसरा कंज्यूमेबल आइटम्स। देखो पहले यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले अब ऐसा ही क्या होता है कि जब अपन सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या इनकम है या एक्सपेंडिचर है? इनकम है। अब ऐसे ही अपने पास एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है, लाइक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर और सैलरी टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर। तो अपन इसका जस्ट उल्टा अकाउंट बनाते हैं। अगर अपन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना हो, सब्सक्रिप्शन की जगह सैलरी अकाउंट बनाना हो, तो हम क्या करेंगे उसको उल्टा। हाँ पूरा उल्टा कर देंगे, लिखा उसको क्रेडिट में, जो क्रेडिट में लिखा उसको डेबिट। ये अपना जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते थे उसका उल्टा, ये सैलरी अकाउंट। डेबिट में क्या लिखते थे? टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी में उल्टा आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फिर अपन क्या लिखते थे? टू इनकम एक्सपेंडिचर, तो आ जाएगा बाई इनकम एक्सपेंडिचर। फिर अपन लिखते थे टू बैलेंस सीडी, वो क्या था? क्लोजिंग एडवांस, तो हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एडवांस मींस एडवांस पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। इधर वाला इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, वहां क्या था? ओपनिंग एडवांस, तो ये इधर आ जाएगा ओपनिंग एडवांस, क्योंकि प्रीपेड का बैलेंस डेबिट होता है। और बाई बैंक अपन ने वहां लिखा था क्योंकि रिसीव होता तो एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और सैलरी पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक, ये बाई की जगह टू में आ गया। इधर लिखते थे बाई बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और वी कैन से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। देखो ये बात समझ आई क्या? अब अगली क्लास में अपन ये दो क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, वो करेंगे अपन अगली क्लास में। और जितना अपन ने किया है एक बार सारे क्वेश्चन देखना वापस, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और अभी तक, हाँ 34 तक करके देखना कि कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि अपन को, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन होगा अपने पास या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का या स्टेशनरी मेडिसिन और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ये कैलकुलेट करने के लिए। तीन नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट, तीन क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 6 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन, 6 और 3 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, ओके अगली क्लास में, ठीक ओके बेटा, पर पढ़ना वापस जाके, नहीं तो मजा नहीं आएगा और होगा नहीं कुछ फायदा।